स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 11 एम समीकरण एक चर में, ठीक है, भाग एक इसका पढ़ेंगे हम लोग, भाग एक। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है कि निम्नांकित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। हम लोग को समीकरण को हल करना है और उसके उत्तर की जाँच करना है। तो पहले का ए में दिया हुआ है हमारा कि यक्ष और प्लस टू इसकल टू दिया हमारा 3। तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यक्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यक्ष बराबर 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा 1। तो जो यक्ष की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी क्या हमारा 1। अब लिखेंगे कि उत्तर की जाँच, अब क्या लिखेंगे समीकरण की जाँच या फिर मतलब की जाँच लिख देंगे समीकरण से या उत्तर की जाँच लिखेंगे, उत्तर की क्या हो जाएगी हमारी जांच, ठीक ना, जांच। अब उत्तर की जांच में क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 1, ठीक ना, ये समीकरण में रखने पर, ठीक ना, समीकरण ये समीकरण एक ही है, तो समीकरण एक में, ठीक ना, इसको एक मान लीजिएगा कि एक है, समीकरण एक में रखने पर अब रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यक्ष और प्लस 2 इसकल टू कितना दिया हमारा 3, इस साइड 3 है, बराबर के उस साइड 3 है, बराबर के इस साइड भी 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या रखना है हमारा 1, तो 1 रखेंगे 1 और प्लस 2 और इसकल टू इधर 3 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इसकल टू 3, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही होगा। इस तरीके से आपको उत्तर की जाँच करना है समीकरण से। इस समीकरण दिया हुआ है, ये भी समीकरण है, इसको भी सॉल्व करेंगे अब। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करेंगे 3 प्लस यक्स बराबर दिया हमारा 4 कर लिए। अब ये हमारा 3 क्या है, प्लस है, क्योंकि सामने वाला चिन्ह देखते हैं, इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा हमारा 3। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 में से 3 क्या कितना बचेगा हमारा 1, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग करेंगे उत्तर की जाँच, ठीक है ना, ये हमारा ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब करेंगे हम लोग उत्तर की, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जांच, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे वो देख लीजिए, एक्स की जो वैल्यू है यक्ष बराबर ये हमारा क्या है 1, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक में मान रखने पर, ये एक ही है हमारा, इसको लिख लीजिएगा समीकरण एक में मान रखने पर, मान यहाँ पर हो जाएगा रखने पर रख लेते हैं हम लोग मान। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 और प्लस यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, x की वैल्यू 1 रखना है, मतलब 3 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इधर 4 है दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 बराबर 4, दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर की जांच सही है, उत्तर सही है। जस्ट उसी प्रकार से आपको सी को भी करना है। तो सी वाले में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15 को 15 रखेंगे इसकल टू हमारा ए और प्लस यहाँ पे 12 दिया है, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा पार्ट दिया हुआ हमारा मतलब 12 है, इधर मैं 12 है, जो 2 होता है उसी में से एक को ट्रांसफर करते हैं, अकेले वाले को कभी नहीं। तो इधर देखिए ए प्लस 12 है, तो 12 को उस साइड भेजेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए ए प्लस 12, ठीक है ना, बराबर 15, बात एक ही हुआ, ये दोनों को एक साथ इधर लिख लीजिए इधर सुविधा के लिए, ठीक है। अब ए और प्लस 12 ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि ये 12 के सामने क्या है हमारा प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन कभी भी उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 और ये इधर आया है तो क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये तो 15 और ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 3, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई है तो इसमें लिखेंगे कि ए बराबर 3, ठीक ना, ए बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, एक में, ठीक ना, रखने पर, या समीकरण में रखने पर, ये भी रख सकते हैं समीकरण में रखने पर, यहाँ पे एक बना लीजिएगा समीकरण नंबर एक, कोई बात नहीं, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15 और बराबर यहाँ पे ए और प्लस यहाँ पे दे दिया हमारा 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ए बराबर क्या है 3, तो 3 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे 15 बराबर ए की वैल्यू कितना 3, तो 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 15 बराबर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, दोनों क्या आ जा रहा हमारा इक्वल है, इसका मतलब इस तरीके से क्या हो गया उत्तर की जांच हो गई। इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं उत्तर की जांच में। अब हम लोग चलते हैं इसके मतलब दूसरे सवाल को, देखते हैं दूसरा सवाल है कैसे।
दूसरा हमारा सवाल दिया हुआ है कि ए बराबर दूसरे का पहला ए दिया हुआ हमारे 11 और बराबर बी माइनस, इस बार माइनस वाले सवाल दिए हम, कुछ नहीं करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है। आप लिख दीजिएगा इसका समीकरण एक मान लीजिएगा, ये भी हमारा दूसरे का समीकरण एक होगा, ये भी समीकरण एक ही होगा, ठीक है ना। मतलब ये अलग अलग सवाल है इसलिए अलग अलग ही सबका मान एक ही हो जाएगा, एक एक। अगर ये एक ही में होता है तो समीकरण एक हो जाता है, ये दो हो जाता है, ये तीन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये अलग अलग दिया हुआ है, जब एक में आएगा तो हम एक में भी बताएंगे, अभी अलग अलग आ रहा तो अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसमें क्या दिया हुआ हमारा सवाल में कि 11, ठीक ना, 11 बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा बी और माइनस यहाँ पे 3, ठीक है ना। ये हमारा क्या माइनस में है ना, आपको सुविधा के लिए इस साइड इसको रख सकते हैं, मतलब बी माइनस 3 बराबर में इधर क्या आई 11, तो 11 कर लेंगे, इस तरीके से घुमा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप कर लिए तो यहाँ पे क्या हमारा माइनस है, जब ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस वाला जब उस साइड जा रहा था तो माइनस हो रहा था, तो माइनस वाला उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब यहाँ पे जाएगा बी बराबर 11, ठीक है ना, 11 और प्लस क्या हो जाएगा 3, मतलब b बराबर हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 14, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, मतलब b की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 14 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में, लिखेंगे हम लोग समीकरण, ठीक है ना, एक में, ठीक ना, b बराबर 14 रखने पर इसमें रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दे दिया हमारा कितना 11 दिया हुआ है, तो 11 बराबर यहाँ पे b माइनस यहाँ पे 3। अब b की वैल्यू यहाँ पे 14 है ना, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे 14, इधर दिया भाई 11, 11 लिखिए बराबर b की जगह पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 3, तो यहाँ पे जाएगा 11 बराबर 14 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 11, और ये इसका क्या हो जाएगा दोनों इक्वल आ गया, तो उत्तर की जांच, ठीक है। दोनों आंसर आपका सही आना चाहिए दोनों पक्ष में, इधर भी और उधर भी, तभी जाके ये सही होगा। अब देखिए हमारा दूसरा वाई माइनस 6 बराबर क्या दिया हमारा 0, y माइनस 6 बराबर क्या दे दिया हमारा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए y माइनस 6 बराबर क्या दिया 0, ये माइनस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, एक ही था इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। अब y बराबर 6 समीकरण नंबर, समीकरण एक में, एक में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, रखने पर अब रख देते हैं हम लोग y बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब y की वैल्यू कितना हमारा 6 है ना, तो y की जगह पर क्या रखेंगे 6, और ये भी क्या है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 बराबर क्या है 0, तो 0। अब 6 में से 6 जगह कितना बचेगा 0, और बराबर में भी क्या हमें नजर दिया 0, ये भी क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया। तो उत्तर की जांच में हमेशा क्या होना चाहिए आपका, मतलब लेफ्ट और राइट, मतलब दाया और बायां दोनों क्या होना चाहिए बराबर, मतलब ये दाया साइड और बाया साइड, ये भी क्या है 0 0, इधर भी हम लोग किए थे तो 11 11 आया, दाया बाया दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर की जांच हो रही है, सही आ रहा आंसर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सी वाले को, पीछे का भी सवाल किए थे तो उत्तर की जांच में सब इक्वल ही आ रहा था, ठीक है, इक्वल आएगा ही, अगर इक्वल नहीं आया इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया, ठीक है, तो इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हमारा 3 और यहाँ प्लस का दे दिया हमारा जी इजकल टू यहाँ पे दे दिया हमारा 3, ठीक है। अब ये प्लस है उधर एक क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे जी बराबर कितना दे दिया हमारा माइनस का, यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, ये इधर आ क्या माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, जी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 में से 3 गया क्या बचेगा हमारा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाई जी बराबर, जी बराबर 0, ये जी है, जी बराबर 0 समीकरण नंबर एक में रखने पर, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। एक में रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 प्लस जी और इजकल टू यहाँ पे दिया हमारा 3, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और जी की वैल्यू कितना दिया हमारा 0, जी की वैल्यू कितना दिया हमारा 0, तो प्लस का क्या हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पे इसके बराबर क्या है 3, अब 3 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और बराबर में क्या दिया हमारा 3, तो ये भी क्या हमारा इक्वल आ गया, तो जब ये दोनों इक्वल आ गए मतलब उत्तर की जांच हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरे सवाल में दिया हुआ है कि ए बराबर, ए मतलब तीसरे का ए में दिया हुआ है कि 5g, इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिएगा, इसको भी एक मान लीजिएगा, इसको भी आप एक ही मान लीजिएगा, ठीक है ना, इसके लिए परेशान मत होइएगा, एक लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा कि 5g इक्वल टू कितना दिया हमारा 10, तो जी जब भी कोई भी चीज, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को, हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे साइड में समझा दे, यहीं पे समझिए,
इन दोनों के बीच में जब कोई साइन नहीं रहता है ना, तो क्या होता है, हमारा गुणा होता है। जब दोनों में से कोई साइन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। इसका मतलब अभी हम लोग पहला वाला पढ़े थे जोड़ था, दूसरा वाला पढ़े घटाना था, अब ये वाला क्या हो जाएगा, गुणा। तो जब गुणा को उस साइड भेजते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भेजते हैं, कभी भी अगर मतलब अपोजिट साइड भेजते हैं, चाहे दाएं भेजने चाहे बाएं, तो क्या होता है, साइन परिवर्तित होता है। मतलब प्लस का माइनस होता था, माइनस का प्लस होता था। इसी प्रकार से अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। अब भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। देखिए इस सवाल में कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा g, इस कल टू कितना दे दिया हमारा 10, जो कि सवाल है। ये हमारा गुणा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। उधर एक क्या हो जाएगा, भाग, मतलब g बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5, और दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2, मतलब g बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, और यही किसका क्या हो जाएगा हमारा g की वैल्यू हो जाएगी, g बराबर 2। अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, मतलब g का मान या g बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 5g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10, अब यहाँ पर हो जाएगा 5, और g की वैल्यू कितना हमारा दे दिया हमारा 2, और बराबर कितना दिया हमारा 10, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, और इस साइड भी क्या दिया हुआ 10, दोनों क्या आ गया हमारा इक्वल। तो इसका मतलब ये उत्तर की जाँच हो गई। आप लिख सकते हैं उत्तर की जाँच, यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर की जाँच, फिर लिखेंगे आपके g का मान समीकरण नंबर, g बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसके बाद उत्तर की जांच कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग अगर देख के करते हैं, तो यहाँ यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर कितना दे दिया हमारा 12, इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में जब गुणा है तो उधर एक क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 12 बटे में हो जाएगा 3, और 3 से इसको कट कर देंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा हमारा 12, मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4, x की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 4, जैसे x यहाँ पे g की वैल्यू 2 दिया आया था, उसी प्रकार से x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब x बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर, एक में क्या करने पर, रखने पर अब एक में रख देते हैं, x बराबर 4 समीकरण एक में रख देते हैं, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 रखेंगे मतलब 3 इंटू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और इसके बराबर में क्या दिया हमारा 12 दिया हुआ है, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12, इक्वल टू कितना दे दिया हमारा 12, दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर की जाँच हमारा उत्तर क्या है, सही है। अगर बराबर नहीं आता तो उत्तर की जांच में उत्तर क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा कि 3 मतलब यहाँ पे दिया 33 बराबर 11x, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 33, उल्टा सीधा इससे मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं 11x बराबर 33, कोई बात नहीं होगा, ठीक है ना। ये गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 33 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 11 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3। अब लिखेंगे x बराबर जो 3 है वो समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर जाएगा रखने पर अब रख देते हैं x बराबर 3 समीकरण एक में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है 33 बराबर कितना हमारा 11x, यहाँ देखिए 33 है, 33 को 33 रखेंगे बराबर 11, और x की वैल्यू कितना दिया हमारा 3, इन दोनों के बीच में क्या होता है गुणा, तो गुणे लगा देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, हमने बताया ना इन दोनों के बीच में गुणा होता है, उधर जाके भाग होता है, तो ये गुणा है, तो यहाँ पे 33, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 33 और 11 तीन कितना हो जाएगा हमारा 33, दोनों क्या आ जाएगा 33 और 33, और इस तरीके से ये क्या उत्तर की जाँच सही पाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं, चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है ए में, इसको पहले तो एक मान लीजिएगा, इसको भी समीकरण नंबर एक मान लीजिएगा, इसको भी समीकरण नंबर एक मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए चौथा जो ए दिया हुआ हमारा, ये हम लोग पहले पढ़ लिए जोड़ का, दूसरा पढ़ लिए घटाना का, तीसरा पढ़ लिए गुणा का, अब ये भाग में है, यक्ष में हम 3 से भाग दे रहे हैं, ये भाग है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा गुणा, मतलब देखिए यहाँ पे यक्ष बटे में कितना दे दिया हमारा 3 बराबर क्या दिया 2, ये इधर में भाग है, ये तिर्यक इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू है x बराबर 3 में 2 का, मतलब 2 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3, मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 6,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि उत्तर की जांच में, यहाँ पे लिख सकते हैं आप उत्तर की जांच, जरूरी नहीं है लेकिन लिख सकते हैं उत्तर की जांच, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण यहाँ पे एक में ठीक ना यक्ष बराबर 6 रखने पर, रखने पर, रखने का मतलब ये होता है कि जहाँ यक्ष है वहाँ 6 लिख देंगे। अब समीकरण पहले लिख लेंगे, यक्ष बटे में कितना दिया 3 बराबर कितना दे दिया 2। अब यक्ष जहाँ पे हमारे क्या रखना है 6, तो यक्ष की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 6 और बटे में कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों को कटाइए, 3 से कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में, मतलब यहाँ पे 2 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, जो कि क्या हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से 2 इक्वल 2 ये बराबर आ जा रहा है और यही उत्तर की जाँच है। ठीक है, दोनों बराबर है मतलब सही आंसर है हमारा। अब हम लोग इसका करते हैं बी नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 7 यक्ष बट्टे में कितना दे दिया हमारा 15 और बराबर क्या दे दिया हमारा 0। ये हमारा इसका तिर्यक इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब 7 यक्ष बराबर 0 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 यक्ष बराबर 0 में 15 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है हमने क्या बताया गुणा, तो उधर एक क्या हो जाएगा हमारा भाग, मतलब यक्ष बराबर अगर 0 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7, मतलब यक्ष बराबर अगर इसका भाग देंगे 0 मतलब 0 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो अब लिखेंगे उत्तर की जाँच, उत्तर की क्या हो जाएगी हमारी जाँच, ठीक है ना जाँच। अब उत्तर की जाँच में क्या हो जाएगा कि समीकरण, ठीक ना समीकरण एक में यक्ष बराबर 0 रखने पर, रखने पर देखिए 0 रखते हैं, अब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे यक्ष बटे में कितना दे दिया हमारा 15 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7 और यक्ष की वैल्यू क्या रखना है हमारा एक्स की जगह पर 0, मतलब 7 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगा देंगे गुणा बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 0 और बटे में कितना हो जाएगा 15, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 0 बटे में 15 और बराबर कितना दे दिया हमारा 0 दिया हुआ, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में ही कर लेते हैं, नीचे लिखेंगे कट जाएगा, यहाँ 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 7 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 और बटे में कितना हो जाएगा 15। अब 0 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0, इधर 0 दिया हुआ था, इसमें अगर 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0 और इधर भी क्या आ जा रहा हमारा 0, दोनों क्या आ रहा हमारा इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब 0 बराबर 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जा रहा है इक्वल, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा सवाल है उसको, अरे चौथे का जो सी है उसको देख लीजिए। चौथे का सी में हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे वाई और बट्टे में जगह 5 बराबर कितना दे दिया हमारा 1। तो ये जो बट्टे में दिया उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा मतलब ये बट्टे में है और ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब वाई बराबर यहाँ पे 1 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5, तेरे गुणा होता है 5, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है y बराबर 5। अब लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच जांच आप लिख सकते हैं, पीछे के सवाल मैंने लिखवाया हूं आप लिखते रहिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण ठीक ना एक में y बराबर 5 रखने पर, 5 क्या करने पर रखने पर, अब y की जगह पे क्या रख देंगे 5, मतलब y और बट्टे में 5 बराबर क्या दे दिया हमारा 1 और y की जगह पे क्या रखना है हमारा 5 रखना है, मतलब 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, 5 से 5 कटा देंगे कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, दोनों साइड क्या आ जा रहा है इक्वल आ जा रहा है, दोनों साइड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारा उत्तर की जांच हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हमारे सवाल को करना था। यदि आप लोग हमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं या हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं ठीक ना या कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम ठीक ना फ्रीडम ठीक ना डैश इफेक्टिव डैश स्टडीज को जा करके फॉलो करिए और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं।